टीवी की जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम से फैंस को दी है। इस समय ब्रेस्ट कैंसर के थर्ड स्टेज पर हैं, वहीं उनका इलाज भी शुरू हो चुका है। हाल ही में हिना खान का कीमोथेरेपी हुआ। दरअसल कीमोथेरेपी एक दवा ट्रीटमेंट है जो शरीर में तेजी से बढ़ने वाली कोशिकाओं को मारता है। इसमें कुछ पावरफुल केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसकी वजह से कोशिकाओं को मारने में मदद मिलती है। लेकिन कीमोथेरेपी के बाद कई तरह के नुकसान भी शरीर में देखने को मिलते हैं। कीमोथेरेपी के बाद बाल झड़ जाते हैं, वहीं मासिक धर्म भी प्रभावित होता है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि कीमोथेरेपी के बाद पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हिना खान की अभी शादी तक नहीं हुई है, वो महज 36 साल की हैं। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि क्या सच में कीमोथेरेपी लेने के बाद पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। आपको बता दें कि कीमोथेरेपी लेने के बाद पीरियड्स आने बंद हो सकते हैं। दरअसल कीमोथेरेपी अंडाशय को बंद कर देती है, ऐसे में अंडाशय में मौजूद अंडों की परिपक्वता को रोक देती है। कीमोथेरेपी अंडाशय सहित पूरे शरीर को प्रभावित कर देती है। कीमोथेरेपी महिला प्रजनन प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें कि आमतौर पर मेनोपॉज 40 से 50 साल के बीच होता है, लेकिन कीमोथेरेपी के बाद महिलाओं को कम उम्र में ही मेनोपॉज का सामना करना पड़ सकता है, यानी इसकी वजह से पीरियड्स आने बंद हो सकते हैं। कीमो के दौरान एस्ट्रोजन का उत्पादन बंद हो जाता है, ऐसे में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, यानी मेनोपॉज या पीरियड्स बंद होना कीमोथेरेपी का एक नुकसान हो सकता है। अगर कोई महिला कीमोथेरेपी ले रही है तो उसे अन्य महिलाओं की तुलना में मेनोपॉज का सामना कम उम्र में करना पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। फिलहाल हमारे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।